सीए या क्षेत्राकडे विद्यार्थी वळत असून या क्षेत्रात एकही जण बेरोजगार नसल्याचं वक्तव्य आयसीएआय वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिलिंगचे चेअरमन मनीष काडिया यांनी वक्तव्य केले. ठाण्यात प्रथमच अकाउंटिंग म्युझियम ऑफ इंडिया उभारण्यात आले. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया आणि जोशी बेडेकर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमानं सोमवारी सकाळी जोशी बेडेकर महाविद्यालयात त्याचं उद्घाटन झालं. यात प्रथमच 44 फुटांची वॉल ऑफ अकाउंटन्सी तयार करण्यात आली आहे. यावेळी आयसीएसआय वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिलिंगचे चेअरमन मनीष काडिया यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळेला रिजनल काउन्सिलिंग सदस्य कमलेश साबू, वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिलिंगच्या माजी अध्यक्षा प्रीती सावला इत्यादी उपस्थित होते. जोशी बेडेकर महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर सुचित्रा नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अकाउंटन्सी विभागातर्फे हे संग्रहालय आकारण्यात आले. विभाग प्रमुख प्राध्यापक योगेश प्रसादे आणि अकाउंटन्सी विभागातील सर्व प्राध्यापकांच्या प्रयत्नातून हे साध्य झाले. या कार्यक्रमाला रिजनल काउन्सिलिंग सदस्य कमलेश साबू, वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिलिंगच्या माजी अध्यक्षा प्रीती सावला, जोशी बेडेकर महाविद्यालयाचे बेंद्रे कार्यक्रमाचे समन्वयक सीए योगेश प्रसादे इत्यादी उपस्थित होते. और मैं ऑल्सो शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रेसिडेंट आईसीआईसीए निहार जम्बूसरिया जी का, जिनकी गाइडेंस से हम ये सब काम कर रहे हैं. और ये जो अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब एक ही लैंग्वेज है जो बोली जाती है, जो कि अकाउंटिंग है. और इसका शुरुआत 1500 BC से हुई है. वही हमने यहाँ पे दर्शाया है कि कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ. मॉडर्न अकाउंटिंग जो है इटली से शुरू हुई थी 1494 में, और तब से लेके आज तक 1949 में जब आईसीआई का बर्थ हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड विच इज द रेगुलेटर ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन इन इंडिया. सो इससे डेफिनेटली बच्चों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज अगर फ्यूचर मुझे जानना है किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए. सो स्टूडेंट जो भी है इसको देखेंगे अकाउंटिंग के, और दे विल लर्न समथिंग.